जबलपुर में कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अरुण नामांकन दाखिल करने विशाल रैली के साथ पहुंचे। राजीव गांधी चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू की विशाल रैली आरंभ हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक कृष्ण तनखा उन्हें आशीर्वाद देने उनके साथ नामांकन दाखिल कराने रैली के साथ चल रहे थे। नामांकन दाखिल रैली के माध्यम से कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उसकी इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस नामांकन रैली में कांग्रेस के सभी विधायक और दिग्गज नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की पूरी फौज चल रही थी। कांग्रेस पार्टी महापौर पद प्रत्याशी के नामांकन दाखिल के साथ में शक्ति प्रदर्शन और चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया है। क्या मुद्दा, क्या योजना रहेगी? आज हम लोगों ने नामांकन भरा और बजरंग बली के पास ये वरदान मांगा, ये प्रार्थना की, माँ बगलामुखी के पास ये प्रार्थना की कि हे माता रानी, हे बजरंग बली, हमारा जबलपुर शहर आगे बढ़े, हमारा शहर महानगर बने। हम लोग 5 वर्ष आने वाले अपना सर्वस्व जबलपुर शहर के लिए निछावर करें। यह रास्ता हम ही लोगों ने चुना है, सेवा का रास्ता। तो हम लोग 24 घंटे 365 दिन जैसी आवश्यकता होगी वैसा इस शहर के लिए निछावर करेंगे। पिछले 20 वर्षों से नगर निगम की कार्यशैली के अनुभव के साथ हम लोग आम जनता के बीच में हैं और अभी भी चुनाव के दौरान आम जनता के बीच में जाकर यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों को सेवा का मौका दें। हम लोग जबलपुर शहर को एक वापस प्रकृति का दिया हुआ जो खूबसूरत शहर है उसे एक विकसित सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे, भोपाल इंदौर से बेहतर कराएंगे। शहर की हालत कहीं नहीं है, आप क्या शहर को कैसे विकसित करेंगे, किस तरीके से? एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है, 2 चरणों में काम है। 1 चरण में जो मूलभूत समस्याएँ और ज़रूरत हैं हमारे शहर की, पहले उनको पूरा किया जाएगा और फिर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और सबसे पहला काम तो वही होगा कि माँ नर्मदा में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं उनको रोका जाए और साफ स्वच्छ जल नालों को मोड़ दिया जाए, या जब जो पानी उसमें जाए वो प्लांट लगाकर, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसको साफ जल ही माँ नर्मदा में जाए, और उसके बाद पूरे शहर की विकास की धारा बढ़ेगी, विकास के पंख इस शहर को लगेंगे। भोपाल इंदौर से हम आने वाले 5 वर्षों में बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं भाजपा से आपके डॉक्टर जामदार आपके सामने कैसे चुनौती मानते हैं? जिस दिन सेवा के काम में आए थे, जिस दिन राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया था, चुनौतियाँ उसी दिन खत्म हो गई थी। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन है, कौन नहीं है, हम लोग अपनी भाग्य रेखा बढ़ाने का प्रयास जीवन में करते हैं। सामने वाली रेखा, भाग्य रेखा हम लोगों से बड़ी है कि छोटी है, कि उसको छोटा करना है कि बड़ा करना है, ये हमारा काम नहीं है। हमें तो सेवा करना है, सेवा करने के लिए हमें अपनी रेखा को बड़ी करना है, और रेखा बड़ी होगी सिर्फ हमारी मेहनत से, 24 घंटे काम करके, और वो हम आगे करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रत्याशी नहीं, एक सेवक को चुना है। कोविड काल में जिस प्रकार से इस सेवक ने जनता की सेवा की थी, एक आदर्श था। हमको आज भी याद है जब हम लोग ने 34 टन का लिक्विफाइड ऑक्सीजन टैंकर भिजवाए थे तो अन्नू ही लेके गए थे मेडिकल कॉलेज, और 15 टन मेडिकल कॉलेज में अनलोड कराया था, जिस दिन जहां पर 12 लोगों की सांसें रुकी थी, 1200 लोग। तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति जो सेवा भाव से लगा है, वो आज आपके बीच में एक प्रत्याशी बन के आया है। मैं कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को और सोनिया जी को और पूरे कांग्रेस की लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको प्रत्याशी नहीं, एक सेवक दिया है। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।